हाँ तो गाइस, तो द स्वागत है एजुकेशन न्यूज़ के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जैसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बटन दबाया, वैसे ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ही क्रैश कर गया। यानी कि दूसरे शब्दों में कह दें तो सर्वर ही फेल कर गया, रिजल्ट इसीलिए अपलोड नहीं हुआ। तो चलिए, सर्वर से रिलेटेड मैं आप लोग को यह न्यूज़ दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे सर्वर फेल हो गया, तभी आप लोग का विश्वास हुआ। लेट्स बिगेन। आज मैट्रिक के रिजल्ट से जुड़े नोटिफिकेशन जारी होने की खबर निकल कर आई थी कि आज शाम तक, यानी कि 2-3 बजे के लगभग, आज मैट्रिक के रिजल्ट के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। हमने आपको सुबह में ही खबर दिखाई थी कि आज ये बताया जा रहा है, ये जानकारी निकल कर आई है कि अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर आई है। अगर अभी आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट को सर्च करते हैं तो वो फेल हो गया। आप अपने स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये फुटेज देखिए, ये आप जब बिहार बोर्ड को सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिखेंगे। जी हाँ, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट से पहले ही बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है वो फेल हो चुका है। फेल होने की वजह से उस पर अभी कुछ भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। खबरें आई थी कि टॉपर का इंटरव्यू हो गया है, कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है, री एग्ज़ाम जो हुआ उसके भी कॉपी का मूल्यांकन हो गया, टॉपर के जो कॉपी है उसका रीचेक भी उसको कर लिया गया। अब ऐसे में इंतज़ार था तो बस और बस रिजल्ट का, और ऐसे में आज ये बातें निकल कर आ रही थी कि आज शाम तक मैट्रिक रिजल्ट से जुड़ी जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है, उसे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी मैट्रिक का रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले रिजल्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है साझा कर दी जाती है वेबसाइट के, ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार बोर्ड के। लेकिन आज वो अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही थी कि आज शाम तक वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर। लेकिन अगर अभी आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट को जाकर सर्च करते हैं तो वो फेल दिख रहा है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर से इस फुटेज को देखिए, जिसमें अगर आप बिहार बोर्ड ऑफिशियल ऑनलाइन को सर्च करते हैं, जो बिहार बोर्ड का अगर हम साइट वेबसाइट की बात करें तो biharboardonline.gov.in.com, जी हाँ, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। इसे अगर आप जाकर सर्च करते हैं तो अभी ये पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है, ये वेबसाइट काम करना बंद कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आज अगर नोटिफिकेशन आने वाला था, आज अगर अधिसूचना जारी होने वाली थी, तो वैसे में बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ही फेल हो गया। आप ये खबरें सुनते होंगे कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है या रिजल्ट आ चुका होता है तो अक्सर इस तरीके की चीज़ें बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलती है। सर्वर बिजी हो जाता है, सर्वर फेल हो जाता है, और अभी बिहार बोर्ड का सर्वर पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे बिहार बोर्ड का सर्वर डाउन हो गया, इस कारण से बिहार बोर्ड टेंथ का रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर। आई होप आप लोगों ने पूरी न्यूज़ देखा होगा, आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा क्यों रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो वीडियो देखने का थैंक यू।